तो उन्होंने वो एक घंटा मुश्किल से कराते थे, फिर उसके बाद कहते थे कि मतलब छुट्टी होगी तुम्हारी तो तुम चले जाओ। उसके बाद हमें अजीब सा लगता था कि मतलब मन टूट जाता था कि चलो कुछ नहीं, आप घर ही जाना है वापस। एक बार देख लो कि हमारी चार्ली की ट्रेनिंग में और जो अदर अकेडमीज है उनकी ट्रेनिंग में क्या कर रहे, जहाँ पर सिर्फ पैसे लेते हैं और एक घंटे बुला के आपको वापस भेज देते बैठे आप अपने घर जाओ, और यहाँ पे चार्ली में 3 घंटा 3.5 घंटे का वर्कआउट होता है। बच्चे खुद ही बोलते हैं भैया आप छोड़ दो घर जाना है, क्लास लेट हो रही, क्लास लेट हो रही है। यहाँ कोच बोलते हैं नहीं भाई रुक 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 रुक, और दूसरे घंटे बोलते हैं भाई एक घंटा ट्रेनिंग कराई टाइम ओवर जाओ अपने घर। और एक बार इस भाई से पूछते हैं भाई नया आया है किसी ट्रेनिंग कराया तू? दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस के लिए आया था, और तुमको आप बताया तुमको क्या बेटा कैसा एक्सपीरियंस लगा यहाँ पर ट्रेनिंग करके? दिस और दैट, पहले तो वहाँ मैं करता था रोहिणी में, ठीक है, तो उसके पहले तो एक रोहिणी में किसके पास करता था? सर थे एक, अच्छा अच्छा, वो वहाँ पे करवाया करते थे प्राइवेट में। हाँ, तो उन्होंने वो एक घंटा मुश्किल से कराते थे, फिर उसके बाद कहते थे कि मतलब छुट्टी होगी तुम्हारी तो तुम चले जाओ, जिसको मतलब करना है वर्कआउट वगैरह तुम वहाँ पे कर लो सेल्फ करो। हाँ, तो इतना वो समझाते नहीं थे मतलब ऐसे करना है वैसे करना है। तो यहाँ के सर तो साथ में चलते भी है, समझाते भी है कि मतलब आगे पीछे जो भी अपना कवर करके चलो, सारी एक्टिविटी कराते हैं लॉन्ग जंप हाई जंप, ठीक है, उसके बाद जैसे अपना बेस्ट दो, काफ़ी मोटिवेट करते हैं कि हारना नहीं है, वर्दी चाहिए, ठीक है। बाकी मुझे बहुत अच्छी लगी है अकेडमी, हमारी सारी एक्टिविटी एक साथ करवाते हैं, सबके साथ ही करवाते हैं। इतने डेमो मैं नहीं दिखाता हूँ जितने जीतू सर खुद दिखाते हैं, लॉन्ग जंप करके दिखाना, हाई जंप करके दिखाना, रनिंग में स्टेप करके दिखाना, इतना मैं नहीं दिखाता हूँ करके, बट उनका मेरे को पता है वो भाई साहब वो आपको एक एक एक्टिविटी करके दिखाते हैं, इसलिए वो मेरे सीनियर भी है कि उनको पता है मुझे क्या क्या दिखाना है करके। मैं कहीं ना कहीं कुछ स्किप कर देता हूँ, चल छोड़ बच्चों को समझा दिया बेटा ये चीज़ ऐसे करनी है, वो फिर बच्चा उसी पर फॉलो करता है। लेकिन जीतू सर का क्या है, अगर हाई जंप है तो पहले खुद ही दिखाते करके, अब तो मैं दिखाने लगाऊँ करके, जब से मुझे लगा है कि यार बच्चों को दिखाना भी जरूरी है तो मैं दिखा दे रहा हूँ तुम्हें करके। लेकिन जीतू सर का हमेशा शुरू से रहा है कि वो आपको एक एक एक्टिविटी करके दिखाते हैं, लॉन्ग जंप है तो कूद के दिखाएंगे, हाई जंप है तो कूद के दिखाएंगे, बीम है तो उनके हाथ में चोट लगी हुई है बट वो ग्रिप कैसे लेनी है, जंप कैसे लेनी है वो आपको पूरा बताते हैं। तो जब आप पहले अकेडमी में गए थे तो आपको वहाँ पर क्या लगा था, जो कोच थे वो पूरा डेमो देते थे लॉन्ग जंप ऐसे हाई जंप ऐसे आगे खड़ा कराते थे कि वो करके दिखाएगा तब कूदना, कभी कभी वो भी फेल हो जाता था। अच्छा, तो सेम एक्टिविटी नहीं आ पाती थी देख के। जैसे बच्चा बोल रहा है कि भाई दूसरे अकेडमी में क्या होता है, कोई बच्चा अपना सीनियर खड़ा करा चल बेटा हाई जंप दिखा करके, अब बच्चे ने कर ली इसको तो आएगी यार, मान लो एक बच्चा तो अच्छा होता ही है, लेकिन जब सारे बच्चे करने हैं तो उनको अगर कोच खुद ही डेमो दे, चाहे अगर 8 फुट की जंप है तो आप 4 फुट करिए, 4 फुट की आप 2 फुट करिए, लेकिन आप पैर कितने खोलने हैं, पैर कहाँ फोल्ड करना है वो प्रॉपर जब बताया जाता है तो ही बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी आती है। और इस डायरेक्शन को देने के लिए जीतू सर के लिए क्या कहना है आपका? सर मैं कहूँगा सर बहुत अच्छे हैं, और मैं काफ़ी टाइम से भी जानता हूँ, फॉलो कर रखा था इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी काफ़ी चैनल देखा मैंने, वीडियो रोज देखता था, मुझे लगा कि हाँ इन सर के पास जाना चाहिए अपनी बार ट्रेनिंग करने के लिए। तो यहाँ आगे मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छी ट्रेनिंग होती है, अच्छे से गाइड किया जाता है बच्चों को, हर एक एक्टिविटी कराई जाती है प्रॉपर। तो जैसा दोस्तों आप देख रहे हैं कि बच्चा क्या बता रहा है कि अगर आप किसी भी अकेडमी में जाओ तो आप पहले तो देखिए कि आपको वहाँ पे सिर्फ टाइम पास हो रहा है कि एक घंटा 30 मिनट ट्रेनिंग कराया और भेज दिया। दूसरा पॉइंट ये देखिए कि जो आगे कोच है वो आपको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं कि आज का वर्कआउट ये है, हर दिन वर्कआउट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लॉन्ग जंप करा रहे हैं तो उसको दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे, हाई जंप करा रहे हैं तो उसमें जंप दिखाई या नहीं दिखाई, बीम करा रहे हैं तो बीम में कितना नंबर मिलने हैं, क्या फ़ायदा है, ग्रिप कैसे लेनी है, अगर ये सब कुछ बता रहे हैं तो ही बेटा आप उस अकेडमी को उस जगह फॉलो करिए, क्योंकि आपका जो टाइम है बहुत कीमती है, उसको जाया मत करो कि भाई एक घंटा गए टाइम पास किया और अपना घर निकल लिए। आप जब हमारी अकेडमी में आओगे, कोई भी बच्चा हो दिल्ली के अंदर या दिल्ली के बाहर का, इंडिया का बच्चा कोई भी हो, अगर हमारे पास ट्रेनिंग करने आ रहा है तो अपने माइंड को तैयार करके आए कि भाई यहाँ पे 3 घंटा 3.5 घंटा ट्रेनिंग रहेगी, ये कन्फर्म है। तो आपको जो यहाँ पे टाइम टेबल बना रखा है 3 घंटे 3.5 घंटे ट्रेनिंग का, वो ज़्यादा लगता है कि कम लगता है दोस्त? सर बहुत अच्छा है, मतलब ज़्यादा टाइम मिलेगा तो ज़्यादा एक्टिविटी में थोड़ा अच्छा लगेगा। वहाँ पे 1.5 घंटा कराते थे, उसके बाद हमें अजीब सा लगता था कि हम इतनी देर में आए, 20 मिनट हमें लग जाता था आने जाने में ही, रेडी वगैरह होने में, तो एक घंटा मुश्किल से होता था, फिर मतलब मन टूट जाता था कि चलो कुछ नहीं, वहाँ घर ही जाना है वापस। तो ये देखिए एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि आप इसका ध्यान रखिए, जब आप घर से निकलते हो 30 मिनट पहले, 30 मिनट बाद जाने के मतलब एक घंटा आने जाने का लग रहा है, और आपको ट्रेनिंग का सिर्फ 1 ही घंटा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके टाइम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब आप कहीं जा रहे हो तो कम से कम 3 घंटे की ट्रेनिंग तो प्रॉपर हो, ताकि आपका शरीर पूरा टूटे, आपको लगे यार आज मैंने कुछ वर्कआउट किया है। तो आज आपका बेटा जो वर्कआउट था, जो आपने किसके पास आप कोचिंग कर रहे आज? जीतू सर के साथ। तो आज आपने क्या क्या वर्कआउट किया, आपको उस वर्कआउट में कैसा फील हुआ, कितना भागे? सर पहले बात तो लॉन्ग रूट हुआ था काफी। अच्छा, लॉन्ग रूट में मतलब क्या होता है? मतलब जीरोइंग करना, ठीक है, थोड़ी बहुत रनिंग करना, तो नॉर्मल उसमें स्प्रिंट भी हो जाती है, तो 10 किलोमीटर की दौड़ थी, अच्छा लगा।
थकान हुई पर अच्छा लगा मैं पेन। तो जी तो सर अंदर बैठे हुए थे कि वो भी साथ में दौड़ रहे थे? साथ में दौड़ रहे थे, चल भी रहे थे, हर बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे। तो दोस्तों देखिए, जैसे आज हमारा लॉन्ग रूट था बच्चों का, तो आज जीतू सर के साथ में खुद ही गए थे। तो अगर कोई भी कोच आपको ट्रेनिंग करा रहा है, वो कहते बेटा लॉन्ग रूट है, 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, और वो ग्राउंड में बैठा हुआ है और आप बाहर जाके भाग रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके टाइम के साथ, पैसे के साथ और करियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जब तक आपका कोच खुद आपके पीछे पीछे नजर आ रहा हो, ताकि ये देखे कौन बच्चा पीछे रह गया, कौन छूट गया, किसके चोट लगी, ये सारी चीजें बेटा आप खुद भी देखा करो, कोई मेरा कोच इस तरह का है कि नहीं है कि नहीं बेटा।